शहबाज शरीफ की नैब में गिरफ्तारी। जाति उमरा में शरीफ खानदान की अहम बैठक, एक घंटे बाद होगी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और खानदान के दीगर लोग मिल बैठेंगे। आइंदा के लाहे अमल समेत मुख्तलिफ अमूर पर सलाह मशवरे होंगे। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल तफ्तीशी टीम ने तहाल शहबाज शरीफ से पूछगिछ नहीं की। शहबाज शरीफ ने सुबह उठकर ताजा हवा में जाने की दरख्वास्त की, जिसे नैब ने मंजूर नहीं किया। जराए ओपोजिशन लीडर का नाम ईसीएल में शामिल किए जाने का इम्कान। कानून के तहत डीजी नैब का नाम ईसीएल में शामिल करने के लिए चेयरमैन नैब को खत लिख सकते हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर के नाम पहले से ही ईसीएल में शामिल है। वज़ीरे आज़म इमरान खान आज लाहौर पहुंचेंगे। एक रोजा दौरा में वज़ीरे आला और गवर्नर से मुलाकात, पंजाब काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीरे आज़म को 100 रोजा प्लान, नए बल्दियाती निजाम और तजावुजात ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीरे आज़म का मुल्की मुआमलात पर सहाफियों को भी एतमाद में लेने का फैसला। शाम 6 बजे सहाफियों से मुलाकात करेंगे। जमान पार्क की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, पुलिस की भारी नफरी तैनात। गवर्नर हाउस के दरवाजे आज भी आवाम के लिए ओपन, शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। एंट्री के लिए लंबी कतारें लग गईं। इंतजामिया की जानिब से सख्त चेकिंग, खाने पीने की अशिया ले जाने की इजाजत ना दी गई। सैर करने आने वाले शहरी सिर्फ एक ग्राउंड तक महदूद, पार्क, पहाड़ी, झील तक जाने से रोक दिया गया। आज वजीर आजम इमरान खान की आमद भी मतवके। वसाइल कम लेकिन फिर भी आम आदमी की फलाहो बहबूद दिल के करीब तरीन है। आइंदा बजट में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। बजट अदादोशुमार का हेर फेर नहीं बल्कि वसाइल में रहते हुए तरक्याती अमल का आकाश होगा। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार। पंजाब भर में अरबों रुपए मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करवा चुके हैं। कब्जा माफिया से कोई रायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीरे आज़म इमरान खान के अहकामात के मुताबिक कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद। गोश्त और चिकन तो पहले ही है आवाम की पहुंच से दूर, सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। सब्जियां महंगी हैं तो गैर मयारी भी हैं, शहरियों का गिला। वाल्टर में पीटीआई के सीनियर रहनुमा नासिर शाहिद लोधी की N131 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर के एजाज में नाश्ता, कारकुन भी शरीक हुए। आम इंतखाबात में धांधली के बावजूद साद रफीक ने शिकस्त खाई, फिर जीत कर इमरान खान को तोहफा देंगे, हुमायूं अख्तर का कारकुनों से खिताब। N131 में पीटीआई के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर की अहलिया की मानावाला चर्च DHA आमद, मसीही बरादरी की सरकर्दा शख्सियात से मुलाकात, हुमायूं अख्तर को वोट देने की दरख्वास्त की। ओपोजिशन लीडर को बगैर इल्जाम गिरफ्तार करना कहां का इंसाफ है? ऐसे रवैये जमहूरियत को तबाह करते हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की राय में कोई फर्क नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाका नवासी, N124 में लीगी उम्मीदवार का हबीबुल्ला रोड पर चेयरमैन UC, 173 राणा मोहम्मद अकरम के घर नाश्ता, कारकुनों को भरपूर मुहिम चलाने की अपील। तारीखी मुकामात पर गंदगी फैलाने वाले अब हो जाए मोहतात, किसी भी किस्म का गंद डालने पर अब होगा 100 रुपए जुर्माना। अदालती हुकुम पर वॉल सिटी अथॉरिटी ने बोर्ड अवेजा कर दिए। अफसरान मुसलसल निगाह रखेंगे, मौका पर ही जुर्माना किया जाएगा। जराए और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जेर तमाम पंजाब बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज कर दिया गया। पहले रोज खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया।